हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इस जॉब अपडेट में, जहाँ मैं लेकर आया हूँ एक और नया जॉब अपडेट। ये जो जॉब अपडेट है दोस्तों, ये DFCCIL जो कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, जो कि इंडियन रेलवे या इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जहाँ पर इन्होंने बम्पर वैकेंसी निकाल दी है। यहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, DFCCIL ने जो एप्लीकेशन इनवाइट किया है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्टें होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट सबसे पहले, ये जो फॉर्म है 20/5/2023 से चालू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 19 जून 2023 रात 11:45 तक रहने वाली है। यहाँ पर जो विंडो ओपन होने वाली है वो 26/6/2023 शाम 4 बजे से 30/6 शाम 4 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की विंडो है। ध्यान रखना, ये करेक्शन के लिए 30 तारीख तक है। फिर टेंटेटिव शेड्यूल की बात कर लेते तो CBT 1 जो है वो अगस्त में होने की संभावना है, CBT 2 जो है यहाँ पर दिसंबर में होने की संभावना है, और CBT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT जो है वो मार्च में होने की संभावना है। कैसे अप्लाई करना है, तो इनकी या तो इनकी जो PDF दे रखी है उसमें जाकर आप लोग यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर जाकर करेंगे तो लिंक खुल जाएगा, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट DFCCIL पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उनको केयरफुली पढ़े, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीटली बताया गया है। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर ऑनलाइन मोड में रखी गई है। डेट्स जो है CBT की वो यहाँ पर इनकी वेबसाइट DFCCIL पर और बता दी जाएगी, जो भी टेंटेटिव डेट्स है। हेल्प डेस्क का नंबर यहाँ पर दे रखा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। फिर बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की, जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव की जो है यहाँ पर 30,000 से 1,20,000 की फीस होने वाली है, जो कि EO लेवल IDA पे स्केल होने वाली है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल की बात करते हैं तो सिविल में टोटल 50 वैकेंसी है, जहाँ पर जनरल की चॉइस SC ST की, यहाँ पर जो है जनरल की चॉइस SC ST की 5 और 3, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 13, EWS की 5 पोस्टें रखी गई है, PWD की 2 और एक्स सर्विसमैन की 7 पोस्टें रखी गई है। पोस्ट कोड यहाँ पर 11 होने वाला है। तो इसके लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज में, जहाँ पर 60% से अधिक मांगे गए हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर जो है टोटल 30 वैकेंसी है, जहाँ पर जनरल वालों की 14 वैकेंसी है, SC ST की 4 और 2, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 8 और EWS की 2 वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है, 60% से अधिक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में, जहाँ पर 235 वैकेंसियाँ हैं, जनरल की 97, SC ST की 35 और 17, OBC की 63, EWS की 23 पोस्टें होने वाली है। यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट जिसके 60% से ज़्यादा है तो BBTEC वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में यहाँ पर 14 पोस्टें देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 3 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 60% से ज़्यादा। फिर बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव HR की, यहाँ पर 19 पोस्टें हैं, जिसके अंदर हमारे को 3 साल का BBA या BMS होना चाहिए 60% से ज़्यादा। फिर बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव IT की, तो एग्जीक्यूटिव IT में यहाँ पर 6 पोस्टें निकाली गई है, 4 जनरल की, 1 SC की, 1 OBC की। यहाँ पर जो है 3 साल का बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन BCA होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, 60% से ज़्यादा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 24 पोस्टें हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर 60% से ज़्यादा मांगे गए हैं, किसमें 10th में 60% से ज़्यादा मांगे गए हैं, और यहाँ पर जो है 2 साल का कोर्स होना चाहिए, जो कि
ITI, SCVT, NCVT, इलेक्ट्रिशियन, वायर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाले 60% से ज़्यादा होने चाहिए, ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में 48 पोस्ट हैं, यहाँ पर भी जो है 10वीं में 60% से ज़्यादा होनी चाहिए और ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ मैकेनिकल में 9 पोस्ट हैं, सेम ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ नोट दे रखे हैं, क्लोजिंग डेट जो है वो 19 से 2023 दे रखा है, जैसा कि हमने पहले देख ही लिया था। कैंडिडेट जिसके पास बी बी टेक, एम ई एम टेक या डुअल डिग्री है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर वो बी बी टेक वालों की जगह अप्लाई कर सकता है, यानी कि आपके पास हायर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एग्जीक्यूटिव की एज लिमिट 18 से 30 साल होने वाली है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की एज भी 18 से 30 साल के बीच में रखी गई है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रिमिलेयर को 3 साल का, PWD को 15 से 13 साल का है, एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर तो उसको जो भी रूल है इनके हिसाब से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर अपर एज लिमिटेड यहाँ पर DFCCIL के एम्प्लॉयज के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 56 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, फिर वो कहीं भी रिलैक्सेशन क्यों ना आ रहा हो 56 साल से ऊपर के व्यक्ति को यहाँ पर नहीं। डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 में, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है रखी जाएगी जो कि 1/4 होने वाली है, नेगेटिव टॉपिक्स होने वाले हैं, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, GA GS, रीजनिंग, नॉलेज, इन सब के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जहाँ पर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के 15-15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और रेलवे नॉलेज के 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर होने वाला है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन फीस में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ₹1,000 फीस रखी गई है, यहाँ पर SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आप लोग UPI, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एक जॉब अपडेट जो कि DFCCIL की तरफ से था, उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ